गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, अपन संधि के बारे में पढ़ रहे थे, तो कल अपन स्वर संधि के प्रकारों में से यण संधि के बारे में पढ़ रहे थे। चौथी संधि थी यण, उसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज अपन वहीं से वापस शुरू करते हैं। सु प्लस आगत। सु में शय और ऊ है, ऊ का आ से मिलकर के वह बनेगा और आ की मात्रा होगी तो वा हो जाएगा, और श्व का सु का जो शय था वो हलंत है तो आधा शय है, तो वह शय व में आ तो वा गत, तो ये स्वागत बन जाएगा। इसी तरीके से सु प्लस आकार, शय हलंत, ऊ का वह बन जाएगा, आ की मात्रा तो बनेगा स्वाकार। इसी प्रकार से अनु प्लस एषण, तो अनु का ए न हलंत और ऊ का वह बन जाएगा, तो अन्व और ए की मात्रा लग जाएगी और एषण, तो ये बनेगा अन्वेषण। इसी प्रकार से अनु एसी, अनु उसमें न अन और ऊ का वह बन जाएगा, फिर ए की मात्रा, तो ये बनेगा अन्वेषी। इसी प्रकार से ऋषि, अगर ऋषि का री अगर आता है तो उसका अर किस प्रकार से बनता है वो अपन यहाँ देखते हैं। पितृ प्लस आज्ञा, तो पितृ में री की मात्रा है लेकिन ये इसका अर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पित्राज्ञा। इसी प्रकार से मातृ प्लस आज्ञा, तो ये हो जाएगा मात्राज्ञा, क्योंकि री का जो ऋषि है उसके अंत में अगर आ है अ है तो उसका अर हो जाता है। अपन यण संधि में कल भी देखे थे, आज फिर वही देख रहे हैं कि अगर ई है तो उसका ये हो जाता है, अगर ऊ है उसके आगे अ या आ आता है तो वो उसका वे बन जाता है। इसी प्रकार से अगर री है और री के बाद यदि आ आता है तो अर हो जाता है। तो पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। इस प्रकार से आज ये अपना यण संधि का जो चल रहा था अध्याय, जो चैप्टर, वो यण संधि का पूर्ण हुआ। अब उसके बाद अपन देखते हैं अयादि संधि। तो हाँ, तो अब है अयादि संधि। देखो, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, अयादि संधि, अय आदि, अयादि। अगर इसको थोड़े टुकड़ों में पढ़ें तो होगा अय आदि। इसका मतलब ये हो गया अय आय अव आव आदि वाली संधि। सीधा सीधा है, अय आय अव आव वाली जो संधि है उसे हम अयादि संधि कहते हैं। ए आई और ओ औ को किसी अन्य स्वर से मेल होने पर ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है, वो अयादि संधि कहलाती है। जैसे ए प्लस ए मिलेगा तो अय बनेगा, ऐ प्लस ए बनेगा तो आय बनेगा, ओ प्लस ए होगा तो अव बनेगा, औ प्लस ए होगा तो आव बनेगा, औ प्लस ऊ तो आउ और औ प्लस ई तो आवी। इस तरह प्रकार से जब अय आय अव आव बनता है वो संधि अयादि संधि कहलाती है। जैसे यहाँ देखें, ने प्लस अन नयन, ने प्लस अन, तो ने का न और ए का जो ए है, ए और उसके बाद अन का ए, ये मिलकर के अय बन जाएगा, तो न और उसमें अय जुड़ेगा तो नय हो जाएगा, और न है ही तो नयन बन जाएगा। इसी प्रकार से शे प्लस अन, तो शे का श हलंत और ए अय से मिलेगा तो अय हो जाएगा, और स हलंत में ए मिलेगा तो वो भी श भी पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शयन। देखो बेटा, यहाँ श जो है वो शक्कर वाला श है, शंकर वाला श है, और ये श इस तरह की आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको शयन बोलते हैं, शयन नहीं बोलते। स सड़क वाला सीधा स होता है, ये इचो सानाम तालु मृद्यु मृधा से बोला जाता है, तो ये शय है, तो ये होगा शयन। इसी प्रकार से यहाँ देखें, ऐ प्लस ए, अगर
बड़ा ऐ है तो उसमें अगर ए आएगा तो उसका आय बनेगा। तो ने प्लस अक, तो नई में देखो डबल मात्रा है तो ये आ बनेगा, तो ये आय होगा और ये बन जाएगा नायक, क्योंकि न उसमें आय तो नायक नायक तो ये बनेगा नायक। गई प्लस अक, तो गई में डबल मात्रा है, दो मात्रा है तो वो अ है तो ये आय बनेगा, तो गय आय क तो ये बनेगा गायक। क्या बनेगा? गायक। हाँ बेटा गायक। इसी प्रकार से भो प्लस अन, तो भो यहाँ ओ है, भय हलंत हो जाएगा उसके बाद ओ, ओ में अन मिलेगा तो ये क्या बनेगा? अव बन जाएगा। तो भय अव न भवन, भय अव न भवन। इसी प्रकार से पो प्लस अन, तो पो में यहाँ एक ही मात्रा है तो ये अव बनेगा, तो ये बनेगा प अव न, तो ये बनेगा पवन। इसी प्रकार से पौ प्लस अन, यहाँ देखिए वहाँ यहाँ पर देखिए पहले पो प्लस अन, पो केवल पो था पौ नहीं था, एक मात्रा थी इसलिए इसका आव बनेगा, अगर दो मात्रा होगी तो आव बनेगा, तो यहाँ पो प्लस अन पवन हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पौ प्लस अन होने से पावन बनेगा, यहाँ पवन नहीं बनेगा यहाँ पावन बनेगा। पौ प्लस अक होगा तो ये पावक बनेगा, पौ प्लस अक बराबर पावक। तो जहाँ डबल मात्रा है तो आगे वाला दीर्घ वाला बन जाएगा। ऊपर में भी यही था, अगर मान लीजिए ए की एक ही मात्रा थी, ए था आई नहीं था तो ए बन रहा था, अगर ए आया था तो उसमें ए का आ हो गया था, यानी दीर्घ वहाँ पे भी हो गया था, तो वहाँ दीर्घ हुआ था आ आया था। इसी प्रकार से अगर ऊ है तो केवल औ बनेगा, अगर औ है तो आव बनेगा, तो भो अन यहाँ भव बनेगा भवन, और पौ अन तो आव बनेगा, तो इससे बनेगा पावन। इसी प्रकार से यहाँ पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अक पावक। इसी प्रकार से औ प्लस उ होगा तो आव बनेगा, जैसे भव प्लस उक ये बनेगा भावुक, भाव उक, भाव में उ मिलेगा तो भाव हो जाएगा, भय औ उक तो हो जाएगा भावुक। इसी प्रकार से नाव प्लस इक तो ये बनेगा नाविक, क्योंकि न बनेगा आ बन जाएगा और इक की मात्रा उसमें पहले से ही लग जाएगी जो पहले लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगी नाविक। इसी प्रकार से भो प्लस इत तो ये बनेगा भावित। तो ये अयादि संधि में सीधा सीधा सा कहने का मतलब यही है, अपने को याद रखने का तरीका यही है कि अय आय अव आव आदि आते हैं और वो ही संधि अयादि संधि कहलाती है। अय आदि नाम से ही पता चल रहा है, तो अय होगा आय होगा अव होगा आव होगा आवु होगा और आवि होगा। तो इस प्रकार से अपने ये स्वर संधि के पांच प्रकार पूर्ण हुए। अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं इस प्रकार से ये पूर्ण हुआ, अब पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, जो अंतर आ जाता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए पहले अब तक अपन जो पढ़ रहे थे उसमें स्वर ही आ रहे थे, स्वर ही आ रहे थे, भो अन में ओ और अन आ रहा था। इसी प्रकार से जो सु प्लस आगत में ऊ प्लस आ रहा था, तो ऊ आ इस तरह से आपस में स्वर ही स्वर का मेल हो रहा था। दीर्घ में क्या हो रहे थे? दोनों स्वर ही आ रहे थे और उसका दीर्घ हो जा रहा था। वृद्धि में भी स्वर आ रहे थे, उसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जा रही थी। यण में भी इसी प्रकार से अय आय हो रहा था, इस प्रकार से अयादि में अय आय अव आव हो रहा था। तो इसमें हमेशा स्वर ही स्वर है मिल रहे थे, लेकिन अब है व्यंजन संधि, यहाँ स्वर काम नहीं करेगा, यहाँ व्यंजन आएंगे, व्यंजन से व्यंजन मिलेगा और फिर उनमें कोई परिवर्तन होगा तो वो कहलाता है व्यंजन संधि, कोई अंतर हो जाता है तो वो व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे सत प्लस गति, सत गति, यहाँ सत में तय हलंत है, गय है, यहाँ तय में कोई ए मिला हुआ नहीं है, कोई स्वर नहीं है। इसी प्रकार से गति में गय है वो भी
व्यंजन है, यहाँ भी कोई स्वर नहीं है। तो व्यंजन से जब व्यंजन का मेल होता है अथवा स्वर से मेल हो जाए, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर, यानी एक स्वर भी हो सकता है लेकिन एक जरूर व्यंजन होगा, दोनों स्वर होते हैं तो स्वर संधि होती है। लेकिन यदि व्यंजन से व्यंजन मिल रहा है या एक स्वर है तो वह व्यंजन संधि कहलाएगी। जैसे सत प्लस गति तय है, ये कैसे मिलेगा, तो तय का दय बन जाएगा और ये हो जाएगा सत गति। दिक प्लस गज, यहाँ देखिए क का तृतीय वर्ण गय बन जाएगा और ये बनेगा दिग्गज। इस प्रकार से जहाँ भी व्यंजन संधि आती है तो उसमें अपनी ही वर्ग का, जैसे क वर्ग का गय बन जाएगा, क ख गय तीसरा, इसी प्रकार से च का च छ जय तीसरा जय बनेगा, ट का ट ठ ड तो तीसरा ड बनेगा, क च ट त ते का द बन जाएगा, प का ब बन जाएगा। तो इस प्रकार से उसी का तीसरा वर्ण बन जाता है। दिक प्लस गज तो क, क का तीसरा ग होता है तो दिग आधा गय, क्योंकि गय क हलंत है तो यहाँ गय भी हलंत हो जाएगा, तो ये बनेगा दिग्गज। इसी प्रकार से वाक प्लस ईस, यहाँ पर देखिए वाक में क व्यंजन है लेकिन ईस में ई है, तो ई है वो स्वर है लेकिन यहाँ व्यंजन संधि होगी क्योंकि एक स्वर और एक व्यंजन है तो पूरा व्यंजन संधि ही होगी। तो वाक तो क का तीसरा ग होता है तो ग हो जाएगा, तो वाग, और वाग में ईस जुड़ेगा तो वागीस बन जाएगा। इसी प्रकार से सत प्लस जन सज्जन, तय तय का तय थ द, तो इसमें क्या है कि जो यहाँ पर सामने जो जय दिया है तो ये तय का द बनना लेकिन यहाँ जय है तो ये जय बन जाएगा और ये हो जाएगा सज्जन। इसी प्रकार से जगत प्लस ईस तो तय का तीसरा द होता है तो यहाँ द बनेगा तो ये हो जाएगा जगदीश। इसी प्रकार से षट प्लस आनंद, टय के बाद आ व्यंजन है टय लेकिन आनंद का आस्वर है तो ये टय का डय हो जाएगा और ये बनेगा षडानन। इसी प्रकार से तत् प्लस भव, तत् का जो तय है उसका तृतीय दय होता है तो ये बन जाएगा तद्भव। इसी प्रकार से उत् प्लस ज्वल, तय का दय होता है लेकिन ज्वल का जय आया है इसलिए ये जय ही बनेगा तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। जगत प्लस नाथ, यहाँ तय है लेकिन आगे नाथ का न है तो न की वजह से ये तय भी आधा न बन जाएगा और ये हो जाएगा जगन्नाथ। इसी प्रकार से उत् प्लस लेख, तय का जो अंतिम आगे ल है तो ल की वजह से ये भी ल बन जाएगा और ये हो जाएगा उल्लेख। इसी प्रकार से तत् प्लस लीन, लीन में लीन का ल है और यहाँ तत् का तय हलंत है तो ये जो दूसरा तय है जो हलंत है उसका ल बन जाएगा और ये हो जाएगा तल्ली। स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, अब है विसर्ग संधि। स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग के संयोग से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसको अच्छे से समझ लो बेटा, स्वर हो या व्यंजन हो कुछ भी हो सकता है, या तो स्वर है या व्यंजन है, दोनों है, दोनों में से एक हो कुछ भी, स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग लगा हुआ हो, अगर स्वर हो या व्यंजन हो कुछ भी लेकिन उसके साथ यदि विसर्ग भी लगा हुआ हो और विसर्ग के संयोग से विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग नहीं रहता उसमें अंतर हो जाता है, बदल जाता है, जो अपने आप में बदल गया, जो विसर्ग लगा था वो विसर्ग नहीं रहा, कुछ परिवर्तन हो गया, बदल गया। जैसे दुह प्लस जन, तो उस दुह में द दू के आगे विसर्ग लगा हुआ है लेकिन जब इस जन के साथ जुड़ेगा तो दुह का जो विसर्ग है वो हट जाएगा और ये रे बन जाएगा और ये हो जाएगा दुर्जन। तो विसर्ग का जय व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग रेफ में परिवर्तित हो गया। रेफ मतलब बेटा जो ऊपर में रे लिखा जाता है वो रेफ का रे बोलते हैं उसको। नी प्लस बल, तो ये हो जाएगा निर्बल, तो यहाँ जो विसर्ग था उसका रेफ का रे बन गया और ये हो गया निर्बल। इसी प्रकार से निह प्लस आशा, तो निह में जो विसर्ग लगा हुआ है उस विसर्ग का रे बनेगा और उस रे में आशा जुड़ेगी तो आशा, तो ये हो जाएगा निराशा।
इसी प्रकार से दुह प्लस कर्म, जब यहाँ कर्म है तो दुह है, तो दुह के आगे जो विसर्ग लगा हुआ है वह अब यहाँ रेफ का रे नहीं बन रहा बल्कि यहाँ शे षटकोण का बन रहा है, तो ये हो जाएगा दुष्कर्म। पुनः जन्म, तो ये हो जाएगा यहाँ फिर रे बनेगा, तो ये बनेगा पुनर्जन्म। दुह प्लस साहस, तो दुह के विसर्ग लगा हुआ है, साहस का शे बन रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दुस्साहस। इस प्रकार से व्यंजन की वजह से भी उसमें परिवर्तन हो रहा है। फिर से देखेंगे एक बार, निह प्लस बल, तो निर्बल विसर्ग का रेप का रे बना, नी प्लस आशा, यहाँ पर रे बना तो आशा, तो निराशा हो गया। दू प्लस कर्म, दू के बाद शय षटकोण का, तो ये दुष्कर्म हुआ। पुनः प्लस जन्म, तो यहाँ फिर रेफ का रे बना और ये पुनर्जन्म हो गया। इसी प्रकार से दुह प्लस साहस, दुस्साहस। निह प्लस जन, यहाँ रेफ का रे बनेगा तो निर्जन। निह प्लस जल, निर्जल रेफ का रे बना। निह प्लस रोग, निह प्लस रोग, यहाँ निह देखिए छोटा मात्रा था ई की नह में, तो निह था, लेकिन यहाँ ये बड़ी मात्रा बन गई तो ये निरोग हो गया। इसी प्रकार नमः प्लस ते, ये हो गया नमस्ते, जो अपन बोलते हैं ना नमस्ते नमस्ते, इसका मतलब यही होता है, नमः यानी नमन करना, ते यानी उनको, यानी आपको नमन करते हैं। नमः प्लस कार, आपको नमस्कार करते हैं, नमन करने वाला कार्य हम करते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया नमस्कार। तो देखिए नमस्कार नमस्ते दो शब्द मिले हुए हैं, नमः ते और नमः कार, हम आपको नमस्कार करते हैं नमस्ते करते हैं, तो यहाँ पर दोनों नमस्कार और नमस्ते जो हैं वो अपने आप में ही पूर्ण शब्द हैं, इसके लिए अलग से कुछ नहीं है। तो यहाँ नमः ते नमस्ते, नमः कार नमस्कार, तो यहाँ जो विसर्ग में अंतर हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, रेफ का रे बन रहा है, कहीं जगह बड़ी बन रहा है, बड़ी ई की मात्रा बन रही है, कहीं जगह से आ रहा है, कहीं जगह से षटकोण आ रहा है, कहीं जगह से सड़क का से आ रहा है, इस प्रकार से विसर्ग संधि में भी अपना परिवर्तन आ रहा है। इस प्रकार आपकी ये संधि पूर्ण हुई। अब आप इसको अच्छे से एक बार खुद से पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।